नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटो में। बेबी डॉज को लेके बहुत सारे सवाल हैं, कुछ पाई नेटवर्क को लेके भी कई सारे सवाल हैं, और बेबी डॉज में जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो यही हैं कि हम पुराने वाले बेबी डॉज में रहें या नए वाले बेबी डॉज में आए, हमारे लिए कौन सा बेनिफिट वाला रहेगा, किस में हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, किस में हमारे लिए रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे ही कुछ सवाल हैं। चलिए आज बेबी डॉज को लेकर जितने भी सवाल हैं आपके सारे क्लियर करते हैं कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा और पाई नेटवर्क क्या आपको लखपति करोड़पति अरबपति क्या बनाएगा और ये कब लॉन्च हो रहा है इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में अपडेट देते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ टेलीग्राम ट्विटर को भी फॉलो कीजिए, जिससे कम से कम लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहे। अब आते हैं, पहले लेते हैं बेबी डॉज को, आखिर इसमें सब ये चल क्या रहा है, पुराने में रहें या नए में जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को यही है। तो देखो मेरे भाई, आप चाहे नए बेबी डॉज में रहो या पुराने बेबी डॉज में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम चीज है। यहां देखिए सेम असेट्स है, केवल डिफरेंट डिनोमिनेशंस के साथ, सब कुछ सेम है, कुछ भी ऐसा डिफरेंट इसमें नहीं है। क्या कम है, केवल आपके जो टोकन्स हैं उनकी संख्या यहां कम हो रही है नए वाले में आके, और उसका रेशियो भी मैंने देखिए डिटेल में आपको सारा वीडियो पहले दिया हुआ है, तो जिसने नहीं देखा वो मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने उसमें सारी चीज़ आपको पहले क्लियर कर दी थी। लेकिन फिर भी चलो, बहुत से लोग नए आ जाते हैं कई बार, तो वो उनको नहीं पता होता कि आखिर ये कौन से वाले में रहना ठीक है। भाई आपके पास अगर पुराना है उसको 1 मिलियन से आप अपना जो है डिवाइड कर लीजिए, आपके पास जो टोकन बचेंगे वो नए वाले के हिसाब से बच जाएंगे, बस सिंपल सा हिसाब है। अब यहाँ पर आप ये कहोगे हमारा कौन सा ठीक रहेगा, तो आप किसी में भी रहो। जब मैंने अपना सीन उस टाइम आपको क्लियर किया था कि मैं तो पुराने वाले में ही हूँ, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, जैसा है जो कुछ है पुराने वाले वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, मैंने उसको कहीं चेंज नहीं किया है कि साहब मैं 1 मिलियन वाले में आ जाऊं, नहीं, जो पुराना है उसमें, क्यों, रेट तो सेम ही है, हमें रेट से मतलब होता है। तो यहां अगर आप कन्वर्जन करके और नए वाले में आओगे तो आपका सेम वही रेट पे आ जाएगा, तो इसलिए जरूरत क्या है हमें खाम का ये सब करने की, सब नए वाले में जाएं या पुराने में रहें, क्या बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होना। अब आपको ये लगता है कि साहब हम नए वाले में आ जाएंगे तो हमें कुछ ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, नहीं, केवल एक बेनिफिट आपको हो सकता है, वो है आपका ट्रेडिंग का हिसाब, क्योंकि फ्यूचर्स में ज्यादातर अब कहीं ना कहीं ये 1 मिलियन जो बेबी डॉज है ना उसका यूज किया जाएगा। देखिए बाइनेंस को भी पता था कि इतनी ज्यादा सप्लाई के साथ तो मिलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो बाइनेंस ने भी इनको शायद यही पट्टी पढ़ाई। ऐसे कई सारे टोकन पहले भी आ चुके हैं कि साहब आप जो है पहले सप्लाई कम करो, अब सप्लाई करने कम करने का और कुछ तरीका नहीं था। अगर ये इसको माइग्रेट करते, बेबी डॉज की टीम अगर इसको माइग्रेट करती, तो देखिए और एक ठप्पा लग जाता, जैसे अभी आपने पॉलीगॉन मैटिक का देखा, पोल में किया, एक नेगेटिविटी आई कि नहीं आई उसमें, क्योंकि एक माइग्रेशन एक ऐसा ठप्पा है जो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ कर देता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। इसीलिए यहां क्या हुआ, बेबी डॉज टीम ने अपने आप को बचा लिया, माइग्रेशन भी नहीं किया और काम भी सारा हो गया, टोकन भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, केवल नाम चेंज हो गया है। तो अब आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। जो लोग ठीक है, जिनको नई तसल्ली हो रही है और वो चाहते हैं कि हम उसमें जाएं, तो मेरे भाई जहां पर 1 मिलियन बेबी डॉज है जिस एक्सचेंज पर, आप वहां पर अपना जब ट्रांसफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके आपको मिल जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली अपने आप माइग्रेशन हो जाएगा, तो भाई उसमें आप जरूरत क्या है। हाँ आप ठीक है, बहुत ज्यादा प्रो ट्रेडर हो तो आप कर सकते हो ऐसा, तो भाई अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, आप ही देख लीजिए, क्योंकि मुझे तो इसमें ऐसा कुछ डिफरेंट नज़र आता नहीं जो कि मैं ये कहूँगा ठीक है जी आपको ये करने से इसमें ज़्यादा फायदा हो जाएगा, केवल एक बेनिफिट जो नज़र आया वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ भाई ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेबी डॉज में जो भी अपडेट होगा तो वो अपडेट आपको दोनों पे लागू होगा, 1 मिलियन बेबी डॉज पर भी और जो पुराना है यानी कि जो लगभग 8 जीरो के बाद कोई नंबर आ रहा है उसमें भी। इस नए वाले पे तो देखिए 2 जीरो के बाद कोई नंबर है यानी कि प्राइस में, ठीक है, तो वहां 8 जीरो लग रहे हैं, यहाँ 2 जीरो लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो प्राइस सेम है। हाँ अगर कुछ हमें ये लगता है कि भाई ठीक है जो डेवलपमेंट होंगे वो नए वाले में ही ज्यादा होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको देर सवेर जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको आना 1 मिलियन में ही पड़ेगा, क्योंकि पुराने वाले को ये अभी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपने आप साइड होता जाएगा, और अगर देखा जाए तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली इसी तरीके से कम होती जाएगी, भाई कमी हो जाएगी, जब आपको वो कहते हैं 1 मिलियन के बदले में एक मिल रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो यहाँ क्या होगा, बेबी डॉज ने बहुत बड़ा देखा जाए तो गेम खेला है, जो कुछ करा भी नहीं और सब कुछ हो गया, तो ये क्रिप्टो ऐसा या कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए हमेशा आप सतर्क रहा करें। तो मुझे लगता है सब अब बेबी डॉज को लेकर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शायद सॉल्व हो गई होंगी,
तो यहाँ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप जहाँ पर हैं वहीं रहें ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने आपको तरीका भी बता दिया आपको, अगर इस तरीके से कर लोगे तो आपका उसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आते हैं पाई नेटवर्क पर। पाई में क्या क्या लिस्टिंग हो रही है भाई? देखो, अगर ऑफिशियली कोई चीज़ आप लेके चलोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है पाई, ना भी लिस्ट हो रहा है, ना ही कोई डेवलपर्स की तरफ से ऐसा कोई अपडेट दिया गया कि ऐसा हम इसको लिस्ट कर रहे हैं, ना ही अभी कोई मेननेट का ऐसा कुछ खास आ रहा है निकल के साथ। नोट्स का है तो वो चलता रहता है, लेकिन यहाँ मेन चीज़ क्या है कि पाई ऑलरेडी 2019, आप देख लीजिए कितना टाइम हो चुका है भाई। अब बहुत से लोग पता नहीं, वो तभी से हो सकता है माइनिंग कर रहे होंगे, हमने तो इसमें बहुत लेट एंट्री ली और इसलिए हमें कोई ज़्यादा इस पर फोकस भी नहीं है। अब ये क्या करेंगे आगे, जिन्होंने 6 साल में कुछ नहीं किया वो आगे क्या करेंगे, आप खुद अंदाजा लगाइए। ऐसा क्या वो खिचड़ी पका रहे हैं जो 6 साल में भी नहीं पक पाई? ऐसा कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हैं जो वो 6 साल में नहीं कर पाए? इनके पास मुझे तो ऐसा लगता है डेवलपमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्या सबकी केवाईसी हो गई? अभी तक केवाईसी तक पूरी सबकी नहीं कर पाए हैं। तो जिनके पास सिस्टम ही इतना डेवलप नहीं है कि वो केवाईसी सबकी करवा सकें, तो भाई आप क्या उम्मीद कर सकते हो ऐसे प्रोजेक्ट से? देखो, मैं ये कहूंगा तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा सीधा सीधा बोल देता हूं और लोगों को वही चीज पसंद नहीं है। तो आप इसी चीज से खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जो 6 साल में कुछ नहीं कर पाया, केवाईसी तक नहीं करवा पाया, अपने प्रोजेक्ट को यही नहीं पता कि लेके कहां जाना है। आप देखिए, ट्विटर पे आके लंबी लंबी कितनी भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है उसे कि हम ये सिस्टम बना रहे हैं, हम वो मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? आप पहले ऑफिशियली तो कुछ करो, ऑफिशियली किसी चीज को लेके आओ, तब उसकी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, मार्केट में आपका आज $20 का भी बिक रहा है, कहीं ₹20 का भी बिक रहा है, कहीं $1 का बिक रहा है, तो वो तो एक अलग चीज है। जैसे प्री मार्केट में एक्सचेंज बेचते हैं, तो तुम्हारा पाई तो अभी प्री मार्केट में भी किसी एक्सचेंज पर नहीं है, वो एक फर्जी वाला तो बिक रहा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो ऑफिशियल है वो तो प्री मार्केट पे भी कहीं नहीं है। तो देखो, जो प्राइवेट मार्केट में जो पाई बिक रहा है भाई, वो एक अलग ही सीन है, उसका पाई से कोई लेना देना नहीं है, ना ही पाई का कोई ऑफिशियल वो रेट है। तो यहां आप पाई को भाई उतना वो लेके सीरियसली लेके मत चलो कि साहब पाई ये करेगा, पाई वो करेगा। मैं तो ये जानता हूं जिसने 6 साल में कुछ नहीं उखाड़ा, वो अभी 6 साल और कुछ नहीं उखाड़ेगा, वो आपको सिर्फ यूं ही लटका के रखेगा, लटका के रखेगा। आप ये देख लीजिए उसके बाद कितने प्रोजेक्ट आ गए, उससे ज्यादा बड़ी बड़ी कम्युनिटी लेके आ गए, और वो अपना सब कुछ कर करा के और रफा दफा भी हो गए। और ये पाई वाला क्या कर रहा है भाई 6 साल में? ऐसा क्या वो उसमें वो बीरबल की खिचड़ी हो गई, कहते हैं ना बीरबल की खिचड़ी जो पका रहा है, जो अब तक नहीं पक पाई। तो भाई इनका कोई मोटिव मुझे नहीं लगता कि है, और ना ही कोई मुझे ऐसा लगता है इनकी कोई मंजिल है कि हमें वहां तक जाना है। अब ये BTC से आप कंपेरिजन करते हो, उसका प्राइस दे के हम BTC से ऊपर गए, अरे यार BTC कहाँ है और आप कहाँ हो? आप मार्केट में आ नहीं पा रहे, तुलना कर रहे हो BTC से, पहले मार्केट में तो आओ, तब तो हम कोई आपका कंपेरिजन कर पाएंगे। मार्केट में कोई चीज़ नहीं है तो हम पाई के बारे में क्या कहें आपसे? इसलिए आप देखते हो मैं पाई के बारे में ना के बराबर वीडियो बनाता हूँ, क्या बनाऊँ उस पर? अब आपके बहुत सारे सवाल थे, इसलिए आपको आज सीधा सीधा कुछ बताना जरूरी था। तो मेरे भाई देखो, ठीक है आपने माइनिंग की, आप अपनी होल्ड करके रखो, जब कुछ ऑफिशियली आएगा तब कुछ कर लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे। बाकी मैं आपको ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि यहाँ जाके बेच दो या वहाँ जाके बेच दो या उससे खरीद लो, भाई वो आपकी मर्जी है, वो आपकी टेंशन है। मैं ऐसे कोई दलाली वाले काम नहीं करता, जो आपको ये सलाह देते हैं ना वो सब दलाली करते हैं, उनका कहीं ना कहीं कमीशन फिक्स होता है, जो आपसे इस तरीके से खरीद बेच करवाएंगे पाई की ऑफ चेन एक तरह से। तो ये क्या, ये सब दलाल है जो आपको इस तरह के सारे आइडिया बता रहे हैं, जो आपको ये कहते हैं कि हाँ हमने वो लिंक दे दिया, वहां पे आके देख लेना, या हमारे ट्विटर पे देख लेना, या हमारे टेलीग्राम पर देख लेना, तो समझ लो वो दलाली खा रहे हैं। मैं तो आपको ऐसा कोई आइडिया नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जब आपने मेहनत की है तो ठीक है, होल्ड करके रखो, अरे किसी और 6 साल बाद लॉन्च तो होगा, जब 6 साल आपने वेट कर लिया तो 6 साल और सही। तो भाई पाई के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये क्या करना चाहते हैं, कब लॉन्च करेंगे, कब इनका मेननेट आएगा, सिर्फ ट्वीट आते रहते हैं। तो ट्वीट आप भी पढ़ते रहो, और उन ट्वीट से कुछ होना जाना नहीं है। बेबी डॉज का यह है कि मैं आपको अपडेट समय समय पे जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो आपके सामने जरूर लाता रहूंगा, लेकिन हवा हवाई बेबी डॉज में भी नहीं, क्योंकि सप्लाई अभी भी बहुत है। सप्लाई के मामले में ये कहो कि कम हो गई है, कुछ ऐसा नहीं है, तो सप्लाई अभी भी बहुत है, ये जरूर आपने माइंड में रखिएगा। चलिए फिर मिलते किसी ने अपडेट साथ, नमस्कार।